वेलकम व्यूअर्स और फ्यूचर ग्रुप में दोस्तों टोटल 3 अपडेट हैं जो तय करेंगी मंडे का क्या प्लान होना चाहिए, अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा दोस्तों। सो जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव इस चैनल पर आपको टाइमली मिलेगा। सो टाइमली अपडेट के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करने में हिचकिचाना मत, आगे बढ़ते हैं फटाफट। दोस्तों सबसे पहले डिस्क्लेमर, और क्योंकि डिस्क्लेमर इसलिए क्योंकि इस चैनल पे बाय या सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं किया जाता, ना ही हम बोलते हैं होल्ड करिए। पहली जो अपडेट है दोस्तों 17 अप्रैल का पत्राचार है फ्यूचर रिटेल का एनएससी बीएससी के साथ। आप देख सकते हो क्रेडिट रेटिंग को लेके है, जिसमें कि इनकी क्रेडिट रेटिंग जो है वॉच पॉजिटिव से रिमूव कर दी गई है और डाउनग्रेड कह सकते हो सिंपल भाषा में कहें तो रेटिंग डाउनग्रेड की न्यूज आई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो अपडेट था दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, 17 अप्रैल का पत्राचार है फ्यूचर रिटेल का, जो बोर्ड मीटिंग का आउटकम था, जो इनके बोर्ड मेंबर्स ने जो अप्रूव कर दिया है डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग वाले प्लान को, और वो पूरी डिटेल में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। 26 अप्रैल से पहले पहले ये कह रहे हैं कि इन्होंने शेड्यूल किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए इस रेजुलेशन प्लान को, और इसके ऊपर दोस्तों मेंट के ऊपर न्यूज़ भी आ गई है, तो आप लोग गो थ्रू कर लेना फॉर क्लैरिटी पर्पस। थर्ड न्यूज़ की बात करें दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल अभी आपको मिलेगी भी नहीं, आप गूगल करो। हाँ, सो फ्यूचर इंटरप्राइजेज का जो पत्राचार है उसने फिर एक पेमेंट डिफ़ॉल्ट करी है दोस्तों, और 17 अप्रैल का डिफ़ॉल्ट डेट बताया जा रहा है 28,79,00,000 रुपीज़ समथिंग अप्रोक्स अमाउंट है, पूरा यहाँ पर मेंशन है, आप देख लीजिएगा। जो टोटल जो डेप्ट या प्रिंसिपल अमाउंट बताया जा रहा है वो 300 करोड़ है, तो 300 करोड़ वाली जो पेमेंट थी, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, उसके ऊपर इन्होंने फिर डिफॉल्ट करा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि तीनों अपडेट बता दी, एक पेमेंट डिफॉल्ट है, एक क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड है, तीसरा है जो लोन रिस्ट्रक्चर के अप्रूवल। ठीक है, सो एक पॉइंट ये भी देखने वाला है, जो फ्यूचर ग्रुप को रिलीफ मिला था कोर्ट की तरफ से, और उसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग जो बताई जा रही है वो भी देखते हैं। क्योंकि ये सारी डेट्स आपको दोस्तों पूरी तरह पता होनी चाहिए कि कब क्या होगा। तो दोस्तों जो इसकी डेट है वो 27 अप्रैल की बताई जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट इस पर दोबारा से सुनवाई कर सकता है। सो ये डेट आपको नोट करनी है, ठीक है, जो फ्यूचर ग्रुप और अमेजोन का केस चल रहा है उसकी डेट 27 तारीख है। सो होप तीनों अपडेट आपको समझ में आ गए होंगे। दो डेट आपको बताई मैंने, 26 अप्रैल को ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बात करें बाय और बिफोर, और 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की डेट। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया, एक पेमेंट डिफॉल्ट, एक क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड। सो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड और पेमेंट डिफॉल्ट मेरे हिसाब से ये नया नहीं है फ्यूचर ग्रुप के लिए, और आने वाले जो लास्ट कुछ महीने गए हैं उसमें ऐसी मैंने बहुत सारी न्यूज़ शेयर करी है। ठीक है, तो उससे फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक को मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके भी माइंड एकदम कह सकते हो मजबूत हो गए हैं कि ये तो पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं, ये इनका रेगुलर काम है, क्योंकि पेमेंट नहीं है तभी जाके तो ये सेल कर रहे हैं बिजनेस। सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव अपडेट है दोस्तों वो मेरे हिसाब से जो डेप्ट रिस्ट्रक्चर होगा वो एक बहुत मजबूत और पॉजिटिव है यार। बचेगा ग्रुप तभी तो बढ़ेगा ग्रुप, जो सिंपल सी बात है, जो कंपनी रहेगी तभी तो आगे कुछ डील वील कर पाएगी, नहीं तो बैंक करप्ट और एनसीएलटी और ये सब में जाने से अच्छा तो कंपनी बचे, वो ज़्यादा मेन है। तो मेरे हिसाब से जो रिस्ट्रक्चरिंग वाला है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप को एक अच्छी रिलीफ देगा, और मार्केट उस पर्टिकुलर अपडेट को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेना चाहिए। टेक्निकल की बात करें दोस्तों, RSI 37 पे है तो ओवरसोल्ड जोन पे है, सो भारी गिरावट की संभावना यहाँ से नहीं दिखती है क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन पे है। और इसका जो टेक्निकल पॉइंट से देखें तो 45 रुपीज़ पे एक सपोर्ट दिख रहा है अगर ब्रेक डाउन होता है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता, यह मेरे हिसाब से तो अपर सर्किट में ही जाना चाहिए जो हैवी चांसेज है। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट में बताइए। एक पॉइंट और मद्देनज़र आपको रखना पड़ेगा, कोरोना दोस्तों लगातार बढ़ता जा रहा है, सो कहीं ना कहीं मूड और माहौल ये ख़राब करने वाला है नेक्स्ट वीक में पूरा शेयर बाज़ार का, तो बी केयरफुल, कैश इन हैंड बचा के रखिए जो मुझे लगता है। सो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को क्या लगता है। मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।